मैं निषाद पार्टी जिला अध्यक्ष रोहित कश्यप पीलीभीत अपनी पूरी टीम जिला कार्यकारिणी की तरफ से सर्वप्रथम आपके चैनल को बधाई देता हूँ। मैं बधाई देता हूँ मोदी जी, योगी जी और मछुआ समुदाय को एकत्रित करने वाले माननीय श्री संजय निषाद जी को, जिन्होंने बिखरे हुए मछुआ समुदाय को एक पार्टी की नींव रखकर मेरे मछुआ समुदाय को ऐसे इतिहास से वाकिफ कराया जिसे मैं अनजान था। जिन्होंने बताया कि 1857 ईस्वी की क्रांति महानायक समाधान लोचन निषाद बा उनकी 157 लोगों की टीम ने विरोध किया और कानपुर सती चौरा घाट गंगा नदी में 5000 से भी अधिक अंग्रेजों को एक साथ डुबो कर मार दिया, जिससे अंग्रेजों ने आक्रामक रूप अपनाते हुए क्रिमिनल टाइप्स एक्ट की स्थापना की व मछुआ समुदाय को जन्मजात अपराधी घोषित कर दिया गया। फिर भी हमारे देश के नौजवान क्रांतिकारियों ने हार नहीं मानी और 15 अगस्त 1947 को हमारे देश आज़ाद हुआ। लेकिन हमारे देश के उस समय के राजनीतिक दुष्टों के कारण, राजनीतिक पार्टियों के कारण हमारे मछुआ समुदाय को की 578 ओबीसी की जातियों को क्रिमिनल टाइप एक्ट से आज़ादी नहीं मिली। तभी इन जातियों को मसीहा के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल इन जातियों के मसीहा के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को कारागार मंत्री बनाने और जेलों के निरीक्षण किया, जिसमें उन्होंने पाया कि जेलों में छोटे छोटे बच्चे और औरतें जेल में किस जुल्म में कारावास काट रहे हैं। तभी उन्हें याद हुआ 1857 की क्रांति में भाग लेने वाला मछुआ समुदाय अंग्रेजों के बनाए काले कानून, क्रिमिनल टैक्स एक्ट तथा जनजात अपराधी घोषित किए जाने के कारण आज भी जेल में बंद है। तभी उन्होंने 1952 में मछुआ समुदाय को 5 साल तभी उन्होंने कैबिनेट में प्रस्ताव पारित किया और 31 अगस्त 1952 में मछुआ समुदाय को 5 साल 16 दिन बाद क्रिमिनल टाइप एक्ट से पूर्णतः आज़ादी मिली। इसी को हम लोग विमुक्ति दिवस के रूप में मनाते हैं। धन्यवाद। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।